हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिटास तड़का। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है गोभी के पराठे। और ये गोभी के पराठे आप सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं, या बच्चों के टिफिन में भी पैक करके रख सकते हैं, क्योंकि ये गोभी के पराठे बहुत ही अलग लगते हैं खाने में और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करें। तो फ्रेंड्स, पराठे बनाने के लिए सबसे पहले पराठे का डो रेडी करेंगे। तो मिक्सिंग बाउल में हम डालेंगे आटा। तो यहाँ पे हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, ये डालेंगे। और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून, और थोड़ी सी हम इसमें मिलाएंगे कसूरी मेथी, ये 1 टीस्पून के करीब है, ये भी डाल देंगे। और लास्ट में हम डालेंगे ऑयल 2 चम्मच। और बस सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे, जिस तरीके का हम रोटी या चपाती के लिए बनाते हैं वो वाला डो। तो ध्यान रखें, एक साथ पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा ही डालें। और बस अब इसे हम इस तरीके से मस लेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरीके से। और ये देखिए फ्रेंड्स, डो हमारा रेडी है और काफ़ी सॉफ्ट है। ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, डो हमारा रेडी है, स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पे हमने 1 कप ग्रेटेड गोभी ली है, जो फूल गोभी होती है वो है ये। तो ध्यान रखें, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फूल गोभी को पहले अच्छी तरीके से धो के और जो भी उसका पानी है उसको सुखा के उसके बाद हम इसे कद्दूकस करेंगे, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी हुआ तो अगर हम पराठे बनाएंगे तो वो पराठे हमारे फट जाएंगे। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो 1 कप ये गोभी है, इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 कप के करीब बारीक कटी हुई प्याज, और साथ ही में हम इसमें डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और फ्रेंड्स, ये है 1 चम्मच बेसन। तो बेसन को हल्का सा तवे पे रोस्ट कर लें, उसके बाद इसमें यूज़ करें, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गोभी के पराठे में। तो ये डाल देंगे। और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर, 2 से 3 पिंच हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक, नमक स्वाद अनुसार रखें। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड, सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है और स्टफिंग हमारी रेडी है। तो फ्रेंड्स, स्टफिंग भी हमारी रेडी है और डो भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो फिर से इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं डो को, जिससे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और डो भी हमारा रेडी है, साइड में रख देंगे। और अब हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा सूखा आटा ले लें किसी प्लेट में। तो इस तरीके से छोटी सी एक लोई लेंगे, ध्यान रखें इसके लिए ज़्यादा पतली लोई नहीं लेनी है, थोड़ी सी मोटी ही लेनी है। इसे इस तरीके से गोल करेंगे और अब हल्का सा सूखा आटा लगा के इसको बेलेंगे। तो ध्यान रखें, बीच में से ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, चारों साइड से इक्वल बेलना है। और इतना बेलने के बाद अब इसमें हम स्टफिंग रखेंगे 2 से 3 चम्मच, जितनी आपको स्टफिंग चाहिए। और अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे फोल्ड करें, क्योंकि अगर हम पास पास फोल्ड करेंगे तो बीच में आटा हमारा एकदम इकट्ठा हो जाएगा और बीच में से एकदम आटा लगेगा खाने में। इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, और हल्के हाथों से इसे इस तरीके से दबा के और जो भी इसका एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल देंगे। और फिर से इसकी पोटली सी बना के इसको हल्के हाथों से दबाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हाथों से इस तरीके से फिंगर की हेल्प से इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे, जिससे कि जो स्टफिंग है अंदर चारों साइड से अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और बस बाद में थोड़ा सा सूखा आटा लगा के फिर से इसे बेलेंगे। तो ध्यान रखें, इसे हल्के हाथों से बेलना है, एकदम टाइट हाथों से नहीं बेलना है, नहीं तो जो अंदर की स्टफिंग है वो निकल जाएगी। और चारों साइड से हम इसे बराबर बेलेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पराठा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। निकाल लेते हैं प्लेट में और इसी तरीके से दूसरा बना लेंगे। फिर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे करें और फिर से इसे बेलेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों पराठे हमने बेल के तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें सेकेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने तवा गरम करने के लिए रख दिया है। ध्यान रखें, इसके लिए बहुत ज़्यादा गरम तवा नहीं होना चाहिए, हल्का गरम होना चाहिए।
और गैस हमारी मीडियम फ्लेम पे होनी चाहिए। तो पराठे को डाल देंगे और चारों साइड से हल्का सा ऑयल डाल देंगे जिससे कि जो पराठा है नीचे से चिपके ना। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे नीचे की साइड से पराठा सिक चुका है, पलट देंगे और ऊपर से ऑयल लगाएंगे, हल्का सा दबा देंगे, फिर से पलट लेंगे, दूसरी साइड ऑयल लगाएंगे और इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे हम इसे सेकेंगे जिससे कि जो पराठा है हमारा अंदर से कच्चा ना रहे। तो हल्के हाथों से इसे इस तरीके से दबा दबा के सेके। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पराठा बनके हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है पराठा। इसी तरीके से दूसरा बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा पराठा भी इसी तरीके से सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पराठा आप हरी चटनी के साथ, दही के साथ या मक्खन लगा के भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। या अगर कुछ भी ना हो तो आप इसे सादा भी खा सकते हैं, सादा भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो दोनों पराठे हमारे सिक चुके हैं, बस अब हम पराठों को करेंगे सर्व। तो फ्रेंड्स, मैं इसे दही के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाले पराठे को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताएं कि आज के पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आप लीजिए इन पराठों का मज़ा। हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।